कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भाजपा में शामिल बागी नेताओं की भी हुई घर वापसी। शंकर पन्नू बोले, कांग्रेस में एक गिरोह काम कर रहा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बुधवार को भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसमें पूर्व सांसद विधायक और भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेता भी शामिल हैं। बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान सह प्रभारी विजया रेहाटकर के नेतृत्व में हनुमानगढ़ से कांग्रेस के पूर्व सांसद शंकर पन्नू पिलानी से पूर्व विधायक जेजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं शेखावाटी के कई नेताओं की भी आज घर वापसी हुई है। इसमें पिछले चुनाव में भाजपा से बागी होकर झुंझुनू से चुनाव लड़ने राजेंद्र भांबू, पिलानी से निर्दलीय चुनाव लड़े कैलाश मेघवाल और मधुसूदन भिंडा सहित बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी हुई है। इसके साथ पूर्व विधायक शिमला बाबरी ने भी आज घर वापसी की है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद शंकर पन्नू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कांग्रेस में पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ एक गिरोह है जो अपने हिसाब से काम करता है। उनको कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। दिल्ली पूरे तरीके से बेकार हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। आने वाले समय ऐसा होगा कि हम पूछेंगे, कोई कांग्रेस ही है क्या? पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में पिलानी से कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रेहाटकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यही कारण है कि आज कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में आने को बेताब हैं। यह सब लोग किसी भी पार्टी के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देश का सर्वांगीण विकास कर रही है। 8,000 से ज्यादा ने की है ज्वाइनिंग। पार्टी मुख्यालय पर इन नेताओं के ज्वाइनिंग के बाद से ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस का नाव अब डूबने को है, इसीलिए डूबती नाव में कोई नहीं बैठना चाहता। बड़ी संख्या में पूर्व में कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा और प्रधानमंत्री की नीति और रीति पर विश्वास जताकर पार्टी की सदस्यता ली है। अब तक 8,000 से ज्यादा कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के साथ ही सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने विश्वास जताते हुए पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस को खत्म करने के सवाल पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की सोच नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस को शायद ही खत्म करने की जरूरत पड़े, वह अपने आप ही खत्म हो जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।